न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 5 अक्टूबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुरारी बापू के श्री राम कथा का करेंगे शुभारंभ। शाहपुर थाना क्षेत्र से गायब हुए बच्चों के घर पहुंचे डीएम एसएसपी व मेयर, किया परिजनों से मुलाकात, दिया आश्वासन, कहा जल्द मिल जाएंगे बच्चे। रामकथावाचक मुरारी बापू के कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का मंडल के आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण, कहा तैयारियां हैं पूरी। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया मतदाता सूची का पुनरीक्षण, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के दिए निर्देश। प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत निकाली गई विशाल जन जागरूकता रैली, मंडलायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, महापौर ने दिए अधिकारियों को जूट के बने झोले व बॉटल होल्डर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक, कहा 11 अक्टूबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे योजना की लॉन्चिंग, अधिक से अधिक लोगों को दिलाएं योजना का लाभ। संत मुरारी बापू द्वारा किए जाने वाले राम कथा में पुलिस ने किया चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, एसएसपी ने कहा सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। जिलाधिकारी ने पिंक वुमेन यानी गुलाबी दीदी अभियान का किया शुभारंभ, करेंगी घर घर जाकर महिलाओं और बच्चों के प्रयोग किए सैनिटरी नैपकिन और डायपर का कलेक्शन। श्री गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर चल रहे आराधना का छठवें दिन हुई मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, हुई आरती, वितरित हुआ प्रसाद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गो संरक्षण समिति की बैठक, गोवंशियों की ग्रेडिंग कर उसके रख रखाव के दिए निर्देश। दशहरा, दीपावली, छठ सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ गोरखनाथ ने आरएफ फोर्स के साथ किया पैदल गश्त, घुड़सवारी कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, कहा त्योहारों को संपन्न कराने के लिए मुस्तैद है गोरखपुर पुलिस, हर्षोल्लास के साथ मनाए त्योहार। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने की जन सुनवाई, महिलाओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश, कहा घरेलू हिंसा पर लगाएं लगाम। पांच अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले रामकथा स्थल जाने वाले रूट को ट्रैफिक पुलिस ने किया डायवर्ट, एसपी ट्रैफिक ने कहा भक्तों की भारी संख्या में आने की संभावना के मद्देनजर किया गया रूट डायवर्जन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मैरिज हाउसों में मांगलिक कार्यों के दौरान बजाए जाने वाले डीजे और आर्केस्ट्रा को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने का गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन ने किया स्वागत, कहा जनता करे सहयोग। इनरवीर क्लब और गोरखपुर यूनिवर्सिटी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महिलाओं को जागरूक करने के लिए लीगल राइट्स ऑफ वुमेन एंड अवेयरनेस विषय पर परिचर्चा का किया गया आयोजन, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। हिंदू युवा वाहिनी महानगर की मासिक बैठक हुई संपन्न, प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बनी रणनीति। मंगला देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर आयोजित हुआ माता की चौकी, नाचते गाते महिलाओं ने की मां दुर्गा की आराधना। दी कमिश्नरी कोर्ट बार एसोसिएशन में आयोजित हुई देवी गीतों के साथ फलाहार का कार्यक्रम, वक्ताओं ने की मां दुर्गा की आराधना। और महानगर में दुर्गा पूजा को लेकर मची है धूम, शुक्रवार को पंडालों में स्थापित माता दुर्गा के पट खुले।